हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं. ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली. तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये मेजरमेंट है टोटल स्पेस का, टोटल मेमोरी स्पेस का जो एक एल्गोरिदम को चाहिए होता है जब वो एग्जीक्यूट करता है. राइट, ओके. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू द ऑक्सिलरी स्पेस एंड द स्पेस यूज फॉर द इनपुट वैल्यूज. राइट, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, ऑक्सिलरी स्पेस वो एक्स्ट्रा स्पेस है या टेम्परेरी स्पेस है जो एल्गोरिदम यूज करता है एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन. ओके, मान लो वो कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स यूज कर रहा है तो उसके लिए वो जो स्पेस यूज कर रहा है वो ऑक्सिलरी स्पेस कंसिडर होगा. राइट, प्लस स्पेस यूज फॉर द इनपुट वैल्यूज, जो भी वेरिएबल्स या इनपुट वैल्यूज एल्गोरिदम में यूज हो रहे हैं और उसका स्पेस. राइट, वो आपको पता है जितने भी वेरिएबल्स जितनी भी वैल्यूज यूज हो रही है वो कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो स्पेस प्लस एक्स्ट्रा स्पेस. राइट, ओके, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ओके, इन दोनों का एडिशन क्या आपको प्रोवाइड करता है, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है. राइट, ऑक्सिलरी स्पेस मैंने बता दिया, इट इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्परेरी स्पेस यूज्ड बाय एन एल्गोरिदम. राइट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारा, ये मेजरमेंट है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना स्पेस, कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. राइट, तो इसमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका आ गया, एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस का भी आ गया एंड जो भी वेरिएबल्स और या इनपुट वैल्यूज एल्गोरिदम यूज कर रहा है उनका स्पेस आ गया. राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिदम फॉर दिस इनपुट. तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है इनपुट वैल्यूज की और जो इनपुट वैल्यूज स्पेस ऑक्यूपाई करें उनके बीच का रिलेशनशिप. राइट, अगर नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्पेस भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज कम है तो स्पेस ऑक्यूपाई भी कम होगा. तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशनशिप बता रही है इनपुट वैल्यूज के बीच में और स्पेस टेकन बाय द इनपुट वैल्यूज. राइट, फॉर एग्जाम्पल वेन द इनपुट साइज इंक्रीजेज, जब नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ जो भी आप इनपुट दे रहे हो अगर वो इंक्रीज होते हैं द स्पेस नीडेड फॉर द एल्गोरिदम इंक्रीजेज एज वेल. तो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए जो आप जो एल्गोरिदम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी का वो भी इंक्रीज होगा. राइट, दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट साइज एंड द स्पेस नीडेड. तो जो ये रिलेशनशिप है इनपुट साइज के बीच में, मतलब इनपुट वैल्यूज के बीच में और मेमोरी जो ऑक्यूपाई होती है उसके बीच में, राइट, उसको क्या कहा जाएगा, उसको बोला जाएगा लीनियर रिलेशनशिप. राइट, नाउ वी हैव बिग ओ नोटेशन. जैसे आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ओ नोटेशन की हेल्प से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया था, वैसे ही आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेजर कर सकते हो बिग ओ नोटेशन की हेल्प से. ओके, वी कैन रिप्रेजेंट मेजरमेंट ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग बिग ओ नोटेशन. राइट, तो यहाँ पे आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर सकते हो किसकी हेल्प से, बिग ओ नोटेशन की हेल्प से. राइट, बिग ओ नोटेशन एस्टिमेट्स हाउ मच स्पेस एंड एल्गोरिदम विल टेक टू रन एज द इनपुट साइज ग्रोज. तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन ये शो करता है कि एक एल्गोरिदम कैसे रन करेगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर उसका इनपुट साइज ग्रो होता है. मान लो अगर इनपुट साइज यहाँ पे दो वेरिएबल है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पे थ्री वेरिएबल है तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एन वेरिएबल है तो वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. राइट, तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट वी हैव द कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, ऑर्डर वन या फिर ओ ऑफ वन या बिग ओ ऑफ वन. राइट, व्हेन द एल्गोरिदम टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज एन, इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी. जब आपका एल्गोरिदम सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये आपके इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये द एल्गोरिदम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज. राइट, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब आपका एल्गोरिदम सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा चाहे आप कितना भी इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट, ओके, नेक्स्ट वी हैव लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, आप इसको प्रोनाउंस करोगे ऑर्डर एन, O of n और big O of n.
राइट. व्हेन एन एल्गोरिदम टेक्स स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साइज एन, इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी. जब आपका एल्गोरिदम उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना आप उसको इनपुट प्रोवाइड करते हो, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है. राइट. अगर मान लो आपने इनपुट साइज डबल कर दिया है, आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डबल कर दिया है, तो आपका जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो भी डबल ही होगा. राइट. ओके. नेक्स्ट वी हैव लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप इसको प्रोनाउंस करोगे ऑर्डर लॉग एन. ओके. ऑर्डर लॉग एन, ओ ऑफ लॉग एन और बिग ओ ऑफ लॉग एन. राइट. व्हेन द एल्गोरिदम टेक्स स्पेस प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ द इनपुट साइज एन, इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी. तो जो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द इनपुट साइज. राइट. तो यहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो ऑलमोस्ट हाफ होगा एज कम्पेयर टू द इनपुट साइज. राइट. ओके. नेक्स्ट वी हैव पॉलीनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी. राइट. और आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप इसको करोगे ऑर्डर एन स्क्वेयर्ड. राइट. या ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड या बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड. राइट. व्हेन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द इनपुट साइज एन, इट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी. जब आपका जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो किसके इक्वल होगा? स्क्वेयर ऑफ द इनपुट साइज. राइट. तो उस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कहा जाएगा? पॉलीनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी, या आप इसको क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हैं. राइट. रूल्स टू कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सेम रूल्स हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ किए थे, सेम आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ होंगे. फाइंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म, डोमिनेटिंग टर्म एंड इग्नोर द लो ऑर्डर टर्म. आपको क्या करना है? डोमिनेटिंग टर्म को फाइंड आउट करना है और लो ऑर्डर टर्म को इग्नोर करना है. टेक आउट द कोफिशिएंट, इग्नोर द कॉन्स्टेंट. राइट. आपको कॉन्स्टेंट को इग्नोर करना है. ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ. राइट. अब रूल्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट स्पेस टेकन बाय अ वेरिएबल. एक वेरिएबल कितना एग्जैक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये आपको समझना होता है. ठीक है. इंटीजर्स क्या लेगा? मोस्टली आपका 4 byte लेता है, डबल आपका 8 byte लेता है. ऐसे आपके वेरिएबल डिफरेंट जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस लेते हैं. ठीक है. एंड कैलकुलेट द स्पेस डिपेंडिंग ऑन देम. आप क्या करोगे? इन सब का स्पेस आप कैलकुलेट करोगे. राइट. बट इवेंचुअली कॉन्स्टेंट्स विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द रिजल्टिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन जब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करोगे उसमें से आप कॉन्स्टेंट को हटा दोगे. हमारा रूल क्या था? आपको कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर देना है. देयरफॉर वी विल जस्ट एड वन ईच टाइम वी एनकाउंटर अ वेरिएबल. तो आपको क्या करना है? जब भी कोई वेरिएबल आएगा तो आप उसको एज अ वन कंसीडर कर लोगे विदाउट कैलकुलेटिंग द एग्जिट अमाउंट ऑफ द स्पेस इट विल टेक. राइट. तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा. सिंपली आप उसको वन कंसीडर करोगे, क्योंकि आप कितनी भी कैलकुलेशन करो इन द एंड जो भी वैल्यू आएगी, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, उसको आपको हटाना होगा, इग्नोर करना होगा. जैसे यहाँ पे छोटा सा कोड है, आपने फंक्शन लिया सम, उसके अंदर आपने दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को पास किया ए एंड बी. राइट. फिर उसको उसका सम आपने रिटर्न कर दिया. राइट. अब देखो यहाँ पे इन दिस एग्जांपल नो मैटर हाउ मच द सम फंक्शन इज कॉल्ड. यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा कि सम फंक्शन को आप कितनी बार कॉल कर रहे हो, कितनी बार वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इट विल ऑलवेज टेक ऑर्डर ऑफ वन एज अ स्पेस. राइट. तो जो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ वन रहेगी, ऑर्डर वन रहेगी. क्यों? लेट अस एनालाइज इट वन लाइन आफ्टर. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यों. अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट आपके स्टेटमेंट है वो फंक्शन है. ठीक है. हेयर वी स्टोर टू लोकल वेरिएबल्स ए एंड बी विच विल टेक अ स्पेस ऑफ 4 byte ईच. यहाँ पे ए भी 4 byte लेगा और आपका बी भी 4 byte लेगा. राइट. इफ दे वर इंटीजर्स बट इट विल बी नो यूज लेटर सो वी विल जस्ट एड 1 for A and 1 for B. तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड क्या होगा? कॉन्स्टेंट को इग्नोर किया जाएगा. तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया A के लिए. ओके. एंड 1 हमने ले लिया बी के लिए. सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अंटिल नाउ इज आपकी ए की होगी ऑर्डर 1 और बी की होगी ऑर्डर 1. तो जो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसमें दो वेरिएबल है, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या की? ऑर्डर 1 प्लस ऑर्डर 1. आपका क्या आ गया? 2 ऑर्डर 1. यहाँ से 2 को आपने डिस्कार्ड कर दिया और रिजल्ट आपका आ गया ऑर्डर 1. राइट. जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर 1. अब जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाला रिटर्न ए प्लस बी, द रिटर्न स्टेटमेंट विल ओनली एक्सेस व्हाट हैव बीन स्टोर्ड प्रीवियसली.
तो यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके पास ए की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है, जो पहले स्टोर हो चुकी है, ठीक है, ए और बी दोनों स्टोर हो चुके हैं मेमोरी में, सो नो स्पेस नीडेड टू स्टोर ए एंड बी अगेन। तो यहाँ पे तो चाहिए ही नहीं स्पेस, क्योंकि ए एंड बी को ही यूज़ किया जा रहा है जो पहले स्टोर हो चुके हैं, राइट। तो इस जो पूरा पर्टिकुलर कोड है उसकी जो रिजल्टेंट आएगी, आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर वन आएगा, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सिंस इट इज़ फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ स्पेस एंड इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द इनपुट साइज, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन एग्जाम्पल इज ऑर्डर वन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इनपुट साइज इसको को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो और तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर वन, राइट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने आपको समझाया कि आप कैसे निकालोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अब कुछ हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, एग्जांपल्स देखते हैं लूप विद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे हम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल देख रहे हैं ऑर्डर वन, ओके। लेट अस क्रिएट अ व्हाइल लूप इन पाइथन सच दैट द नंबर ऑफ स्पेस टेकन बाय द लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज एन, राइट। तो यहाँ पे जो आपका लूप है वो इंडिपेंडेंट है इनपुट साइज का, राइट, ओके। तो एग्जांपल है आपका, किसका एग्जांपल है, ये आपका ऑर्डर वन का एग्जांपल है कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं आउटपुट जिसकी वैल्यू जीरो है कांस्टेंट है, जे जिसकी वैल्यू वन है वो भी कांस्टेंट है, और एन जिसकी वैल्यू टेन है वो भी कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट हैं। फिर आपने लूप को चलाया, एन ऑलरेडी आपका ऑक्यूपाई हो चुका है आउटपुट में, आउटपुट प्लस जे आ गया आपका, और जे इक्वल टू जे प्लस वन एंड प्रिंट आउटपुट, राइट। अब देखो इस पूरे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन या ऑर्डर वन क्यों है, देखो इन द अबव कोड एग्जांपल इनपुट वैल्यू एन इज कांस्टेंट, आपका एन कांस्टेंट है विच विल टेक द स्पेस ऑफ ऑर्डर वन, तो जो एन है वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर वन हो गई, राइट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसके अंदर। द ऑक्सिलरी स्पेस इज ऑल्सो ऑर्डर वन बिकॉज जे एंड आउटपुट आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस लिया जा रहा है जे एंड आउटपुट के लिए, ठीक है, आउटपुट भी क्या है आपका, उसमें भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, राइट, एंड जे में भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो उस वो भी उनका भी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ वन या ऑर्डर वन, राइट। तो अब टोटल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, ऑर्डर वन प्लस ऑर्डर वन, ठीक है, ऑर्डर वन आपका एन का ऑर्डर वन, ओके, एंड जे का, अगर आपको तीनों का भी अगर ऐड करना था आप आउटपुट का आप ऐसे कर सकते थे, देखो एन का आपका हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर वन, राइट, जो आपका आउटपुट है वो ले लेते हैं इसको, उसका भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर वन, ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आपने जे को यूज़ किया है, जे की भी आपका क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन है, राइट, तीनों की है। अब टोटल कैसे होगा, तीनों को ज्वाइन करेंगे तो इसका आ गया रिजल्ट आपका थ्री ऑर्डर वन, थ्री ऑर्डर वन आ गया, ठीक है। अब थ्री क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो इस पूरे कोड का जो आ गई है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, ऑर्डर वन, राइट, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे लूप विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर स्पेस, अब ऑर्डर एन देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे हम पाइथन का एक्सटेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के एंड पर आप इसकी हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग अ लिस्ट विद अनदर लिस्ट यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर एन, अगर आप एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर एन है, क्यों, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट बींग अपेंडेड, राइट। तो यहाँ पे एन क्या है, लेंथ ऑफ द लिस्ट है, वो न्यू एलिमेंट्स हैं जो आप लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, राइट, दिस इज, देखो अगर आप न्यू एलिमेंट्स ऐड करोगे तो ऑब्वियसली द एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। दिस इज बिकॉज एक्सटेंड आइट्रेट्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट बींग अपेंडेड एंड एड्स दैम वन बाय वन टू द एंड ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो आपका एक्सटेंड फंक्शन है वन बाय वन जो आपके न्यू एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट के साथ ज्वाइन करेगा, रिजल्टिंग इन अ लीनियर इंक्रीज द मेमोरी यूसेज विद द साइज ऑफ द लिस्ट बीइंग अपेंडेड, जितने एलिमेंट्स न्यू एलिमेंट्स उसमें ज्वाइन होंगे उतना ही उसका मेमोरी साइज इंक्रीज होगा, राइट, उतने ही, क्योंकि उतने ही वैल्यूज को ऐड करने के लिए मेमोरी चाहिए, ओके। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट थी माई लिस्ट, उसमें पहले वैल्यूज थी वन टू थ्री,
राइट, बाद में उसमें आपने तीन वैल्यूज और ऐड कर दी और उसको प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे देखो तीन एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड हुई हैं। और अगर मान तो यहाँ पे आपने जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स सॉरी इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन है, क्यों? क्योंकि आप इसको एन साइज तक इंक्रीज कर सकते हो, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट और यू कैन से नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू आर एडिंग टू द लिस्ट, राइट। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है किसका है, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का है, जितना आप वैल्यूज को ऐड करते जाओगे उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव लॉगरिथमिक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल है, क्विक शॉट एल्गोरिदम हैज ऑर्डर लॉग एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। क्विक शॉट एल्गोरिदम की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो है ऑर्डर log n space complexity, right? अब quick shot क्या करता है, is a highly efficient shorting technique that divides a large data array into smaller one. यहाँ पे क्या करता है, array को ये small parts में divide कर देता है। अब vast array is divided into two arrays. एक जो big array होता है वो दो parts में divide हो जाएगा, one containing the value smaller than the provided value, जो एक particular value आप उसमें find out करना चाहते हो, राइट। तो एक पार्ट क्या कंटेन करेगा, उस वैल्यू से छोटी वैल्यूज को कंटेन करेगा, से पिवट ऑन विच द पार्टीशन इज बेस्ड, राइट। तो यहाँ पे जिस वैल्यू के ऊपर हम पूरा डिवीजन कर रहे हैं उस वैल्यू को पिवट कहा जाता है। द अदर कंटेन्स वैल्यू ग्रेटर देन द पिवट वैल्यू, और जो सेकेंड पार्ट है एरे का वो क्या करेगा, इस पिवट वैल्यू से जो हायर वैल्यूज है उनको कंटेन करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्विक शॉट में क्या हुआ, जो वैल्यूज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो यहाँ पे क्विक शॉट जो एल्गोरिदम है वो आपका ऑर्डर लॉग एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करता है, ठीक है, या फॉलो करता है, राइट। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।